जाना है? सीपी सीपी कैनॉट प्लेस। अद्वैग ये रहा पीछे, अद्वैग देखिए, ये देखिए जैसे ही घर से निकले और चीप स्टार्ट हो गया इसका, तो चीप सर मोबाइल। तो ठीक है, चलिए आप, हम लोग भी थोड़ा घूमेंगे और आप लोग से भी शेयर करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय। तो हम लोग आ गए हैं, ये जनपद मार्केट है, मतलब सीपी में ये जनपद मार्केट है। तो यहाँ के दो एंट्री है, एक पीछे की साइड से और इधर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इधर गाड़ी का पार्किंग है। तो आप लोग मेट्रो से आ सकते हो तो उधर से भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो मैं बैग देख रही हूँ, ये प्राइस बता रहा था 250 का, ये फिक्स प्राइस है, 250 का बैग बता रहा है, क्वालिटी वाइज भी सही है। और मेरे हाथ में जो है ये बोल रहा था 100 रुपये या 150 रुपये ऐसे कुछ बोल रहा था। और यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, मतलब लेडीज लोगों का भी कपड़ा है, जेंट्स लोगों का भी कपड़ा है। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जितना प्राइस बताते हैं, जैसे 1000 के बोल दिया तो आप लोगों को पहले से 300 के बताना होता है। तो मार्केट तो ऐसा बहुत सही है, और ये मतलब दिल्ली में बहुत फेमस मार्केट है जनपद। तो ये देखिए, ये एक शॉप था, ये चूड़ी या रिंग या ब्रेसलेट ये सब इसका शॉप था। यहाँ पे 100-150 का प्राइस बता रहा है, ये इसका फिक्स प्राइस ही होता है। और मैंने जो हाथ में पहनी हूँ वो 100 रुपये का बता रहा था ब्रेसलेट। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब आपके मतलब सब कुछ, मतलब आप ऐसे ढूंढने में आपको ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है, बट आपको वही है थोड़ा सा बार्गेनिंग करना होता है। और हम लोग थोड़ा वीकेंड में चले गए तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा था, तो वीकडेज में आप लोग आएंगे तो इसमें थोड़ा भीड़ कम रहता है। वहाँ इधर साइड है जेंट्स लोगों का, जैसे शॉर्ट्स पैंट ये सब भी, टी शर्ट वगैरह भी मिल जाता है। बस यही है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बार्गेनिंग तो करना ही होगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा भगवान का सामान भी मिल रहा है। ये जो मेरे हाथ पे मैं शर्ट देख रही थी, इसका इन्होंने पहले प्राइस बताया था 800 रुपये, और बाद में मैं इसको 300 में ली हूँ। क्योंकि मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग आपके हिसाब से आप कितना बार्गेनिंग कर पाओगे। आप मतलब मैं 300 में ली हूँ, कई मतलब 250 में शायद दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग देते नहीं हैं, बट आपको सही से प्राइस करना होगा, मतलब एकदम भी कम नहीं एकदम से ज़्यादा नहीं, मतलब उनका भी थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट हो उसका भी देखना पड़ता है। तो इसी के हिसाब से आप लोग बार्गेनिंग करोगे तो ये लोग मतलब दे देता है बुला बुला के। और यहाँ पे जो बेल्ट का शॉप है, यहाँ पे 150 रुपये से स्टार्ट है, मतलब ये 150 वाला 100 में देता है, और मोटा वाला जो था वो 300-250 में दे देता है। और ये था एक होम डेकोर का सामान, अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ आ गए, बाहर के गेट से। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है रनर, फिर डाइनिंग टेबल का कवर, ये सब मिल रहा है, कुशन कवर। तो ये जो था ये मैंने प्राइस पूछा इनसे, तो इन्होंने पहले प्राइस बताया 600 रुपये, उसके बाद, और बहुत सुंदर भी है देखिए, बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद मैं जैसे जा रही हूँ, लास्ट में मुझे 250 रुपये का बोला उन्होंने। और यहाँ पे अभी वो क्रिसमस दिवाली भी आ रहा है, तो उनका भी सामान आ गया, जैसे टेबल कवर वगैरह, और क्रिसमस के भी ये देखिए सांता वाला भी वो आ गया कवर। तो इस साइड में आप लोगों को यही मिलेगा, मतलब कुशन कवर, बैग और डोरमैट, कारपेट, बाहर के साइड में यही मिलता है, और अंदर में कपड़ा वगैरह मिलता है। और यहाँ पे ये दुपट्टा भी था, तो इधर भी देखने के लिए और लेने के लिए बहुत अच्छा अच्छा सामान है।
और यहाँ भी हम लोग आ गए सीपी में। ये मतलब दिल्ली में आप लोग कभी आओगे तो ये सीपी नहीं घूमोगे तो मतलब ऐसा आप लोग कुछ भी नहीं घूमे, क्योंकि बहुत हैपनिंग जगह है ये। तो कभी भी आप लोग दिल्ली में आते हो तो प्लीज़ सीपी विज़िट करना, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पे ना मतलब दोपहर से मतलब शाम के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो और गर्मी के टाइम पे तो शाम के टाइम ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना, क्योंकि गर्मी के टाइम पे धूप भी बहुत होता है दोपहर में। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि शाम के टाइम पे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे देखने। अभी आए हैं हम लोग बिरयानी, मतलब बिरयानी रात के लिए पैक करके लेना है। और यहाँ पे हम लोग मटका पीर का बिरयानी, ये इसका नाम है बाबू शाह बिरयानी, तो यहाँ से बिरयानी ले जाना है। और अभी गलावटी कबाब और रोटी खाना है, तो ये बहुत पुराना शॉप है। गलौटी कबाब और यहाँ पे एक चटनी और रोटी ले लिया बिरयानी, ये ले लिया बिरयानी। अभी यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, मतलब ज़्यादा फेमस तो यही वाला दुकान है, बाबू साहिब का दुकान। अब यहाँ पे सब लोग बिरयानी एंड वो कबाब चिकन यही सब खाने आता है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और वो देखे मिनट में गया है अभी कोल्ड ड्रिंक्स लाने। हम लोग कभी रात को नहीं आए, हर टाइम दोपहर को आते थे, अभी इस बार रात को आए। हम लोगों ने सोचा कि रात को बंद हो जाता है, बट बंद नहीं था। अभी रात को ज़्यादा भीड़ लग रहा है, अभी और ज़्यादा भीड़ होगा। तो बहुत टेस्टी बना था गलौटी कबाब, और अभी बिरयानी टेस्ट करेंगे घर जाके। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घर। बहुत घूम लिया अभी हम लोग, घर बस हो गया आज के लिए। खाना वाना खा के एकदम नहीं, अभी बिरयानी भी खाना है। वो तो रात को घर जाके, अभी रात को घर जाके खाएंगे बिरयानी। अदरक क्या खाएगा, बिरयानी खाएगा, वो भी चावल खाएगा। वो चावल बिरयानी भी तो चावल ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, और प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बाय बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.